वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। हम जनरल साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे विस्फोटक। ठीक है, विस्फोटक, प्रमुख विस्फोटक। प्रमुख विस्फोटक कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको टीएनटी के बारे में बताया था। टीएनटी का मतलब होता है, टीएनटी का मतलब क्या होता है? ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। ठीक है, ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, ये पहला विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रो टॉल्विन ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, हल्का पीले रंग का। ठीक है, और इसे उत्तेजित करने के लिए टीएनटी विपुल मात्रा में ऊष्मा के साथ, प्रचंडता के साथ विस्फोट करता है। और टॉल्विन जो होता है वो क्या होता है? ये टॉल्विन, टॉल्विन का महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है? T6 क्या होगा? C6 और H5 और क्या होता है? CH3 क्या होता है? ये होता है टॉल्विन का रासायनिक सूत्र। ठीक है, और क्या है खास बात इसके अंदर? जो टॉल्विन होता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है टॉल्विन? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और देखो इसमें दो चीजें हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरा क्या जाएगा? प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो H2SO4 होगा। क्या होगा? H2SO4। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? HNO3। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टॉल्विन बन जाता है। क्या बन जाता है? टॉल्विन बन जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है C6H5CH3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस विस्फोटक की खोज किसने की थी? ठीक है, ब्रिटिश सेना ने खोज की थी इसकी। इस विस्फोटक की खोज सन 1863 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1863 में की गई थी। बात समझ में आ रही है ना? और इसका प्रथम प्रयोग ब्रिटिश सेना ने सन 1914 में किया। इसका मेनली यूज कब किया गया? सन 1914 में। और किसने किया? याद रखना है, ब्रिटिश सेना ने। किसने किया? ब्रिटिश सेना ने, ब्रिटिश आर्मी ने। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें? जो ये विस्फोटक होता है इसकी गति पूछ सकता है आपसे। कितनी होती है इसकी? जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो होती है 6900 मीटर पर सेकंड। क्या होती है? 6900 मीटर पर सेकंड। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सेकंड में 6900 मीटर होती है। कहने का मतलब ये है, बात आ रही समझ में? सेकंड जो है वो है आपका TNG। क्या है सेकंड? क्या है? TNG, TN और G। तो पहला विस्फोटक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, TNT, और दूसरा है TNG। TNG को क्या कहते हैं? देखो, रंगहीन तेलीय द्रव, इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। इसका जो कलर होता है वो रंगहीन तेलीय द्रव होता है। क्या होता है? रंगहीन तेलीय द्रव होता है। क्या होता है? रंगहीन तेलीय द्रव होता है। और इसे क्या कहा जाता है? TNG को नोबल का तेल भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? नोबल का तेल, नोबल का तेल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। और आपको याद रखना है ये किससे बनाया जाता है? ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। तो देख सकते हैं अपन इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? सांद्र अम्ल की ग्लिसरीन के साथ, सांद्र अम्ल की
ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है, ठीक है। और विस्फोट के साथ साथ इसका उपयोग डायनामाइट के निर्माण में भी होता है। विस्फोट इसका उपयोग किसके लिए होता है? विस्फोट के साथ साथ किस में? विस्फोट के साथ इसका निर्माण किस में होता है? डायनामाइट के निर्माण में भी होता है। डायनामाइट निर्माण में भी होता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे 1888 में, ठीक है। तो खोज की कब की गई इसकी खोज? खोज की गई 1863 में। और इसका जो यूज किया गया वो कब किया गया? 1888 के आसपास किया गया, ठीक है। और आगे क्या है इसमें? जो मैंने आपको बताया था डायनामाइट जो होता है वो क्या होता है? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ये रहा डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। और अगर आपसे पूछे कि कब किया था तो सन 1863 में किया था। लेकिन TNG की खोज 1863 में, इसका मतलब डायनामाइट का जब आविष्कार हुआ था तभी की गई थी, ठीक है ना। आगे क्या है इसके अंदर? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके, ये दोनों जो है यूज, इन दोनों का जो मिक्स है उनका उपयोग हम TNG के रूप में करते हैं, ठीक है। और TNG का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इसका ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रो और ग्लिसरीन। समझ में आ गया ना? इसलिए इसका प्रयोग सांद्र अम्ल की ग्लिसरीन के साथ और सांद्र अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों की का मिश्रण करके इसका यूज किया जाता है। देखो नेक्स्ट है आपका गन पाउडर। गन पाउडर की जो खोज की गई थी 1242 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और ये अग्रदूत विस्फोटक है। क्या है? अग्रदूत विस्फोटक है। प्रथम अभिलेखित प्रयोग जो हुआ था 1346 ईस्वी में हुआ था, यूनान के युद्ध में हुआ था और अंग्रेजों द्वारा हुआ था। बात आ गई समझ में? तेजी से जलने वाला क्या होता है? विस्फोटक है ये, तेजी से जलता है, ठीक है। और हल्का विस्फोटक भी है, ठीक है। जिसका रेशियो होता है, मतलब ये किस किस के मिश्रण से बनता है, तो आपको बता दूं ये पोटेशियम और सोडियम नाइट्रेट चारकोल, ठीक है, और सल्फर, इन दोनों के मिश्रण से बनता है। 15:3:2 के मिश्रण में बनता है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे उर्वरक। क्या पढ़ेंगे? उर्वरक क्या होते हैं? बनाए गए तत्वों के यौगिक उचित मात्रा में मिलाए गए यौगिक को क्या कहते हैं? उर्वरक। ध्यान से समझना, उर्वरक किसे कहते हैं? भूमि में, किसमें? भूमि में तत्वों की, कुछ तत्वों की क्या जाती है? कमी हो जाती है। क्या जाती है? तत्वों की कमी हो जाती है। जब कुछ तत्वों की कमी हो जाएगी तो तत्वों, कुछ तत्वों के यौगिक मिलाएंगे हम। क्या मिलाएंगे? कुछ तत्वों के यौगिक। तो कुछ तत्वों के यौगिक के यौगिकों के कृत्रिम यौगिक, यौगिकों को मिलाना को मिलाना क्या कहलाता है? उर्वरक। कहलाता है, ठीक है। मतलब भूमि के अंदर तत्वों की कमी हो जाती है तो कुछ तत्वों को कृत्रिम रूप से मिलाया जाता है। कृत्रिम यौगिकों को मिलाना क्या कहलाता है? उर्वरक कहलाता है। उर्वरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने सुना होगा फर्टिलाइजर्स। क्या बोलते हैं? खाद वगैरह मिलाते हैं ना अपन, वही होते हैं उर्वरक। तो उर्वरक कई प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है आपको। जैसे नाइट्रोजन के उर्वरक, तो पहला लिखना है आपको नाइट्रोजन के उर्वरक। पहला है नाइट्रोजन के उर्वरक।
यूरिया में क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन के उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन के उर्वरक में क्या हो जाएगा, मेन चीज क्या पाई जाएगी इसमें, मेन नाइट्रोजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, पहली बात यह होगी मैन क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, और दूसरा क्या है, यूरिया में अगर पूछे आपसे यूरिया में, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाएगी, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, यूरिया का सूत्र सुना है ना आपने, नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है, कितनी परसेंट पाई जाती है, 46%, 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और अब बात करते हैं अपन अमोनिया के सूत्र की, अमोनिया का मतलब यूरिया का सूत्र मैंने आपको पहले बता रखा है, एक होता है अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, इसमें भी क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। अगर बात करें तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब बात आती है अमोनियम सल्फेट की, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बता दिया अमोनिया का सूत्र तो क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, क्या होता है, NH3। बात आ रही है किसकी, अमोनियम सल्फेट की, किसकी बात आ रही है, अमोनियम सल्फेट की। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ, अमोनियम का होता है NH4 और सल्फेट का क्या होता है, SO4, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट आलू की पैदावार के लिए अच्छा माना जाता है, किसकी पैदावार के लिए, आलू की पैदावार के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है अमोनियम सल्फेट। कितना पाया जाता है इसमें, 25% क्या पाया जाता है, अमोनिया। ठीक है, मतलब NH3 पाया जाता है इसमें लगभग। ठीक है ना, चूना रहित भूमि में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, चूना रहित भूमि मतलब चूने से रहित भूमि। ठीक है, चूना सहित भूमि में तो ये पाया जाता है, लेकिन चूना रहित भूमि में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे है कैल्शियम नाइट्रेट को नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट को, तो नाइट्रोजन का सबसे अच्छा जो है, नाइट्रोजन का सबसे अच्छा, नाइट्रोजन का सबसे अच्छा बताओ, नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक किसको माना जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट को, किसको माना जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट को, CaNO3, तो इसमें देखो नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक किसको माना जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट को माना जाता है। ये बाजार में नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, नॉर्वेजियन साल्ट पीटर, इसको क्या कहते हैं, नॉर्वेजियन साल्ट पीटर, नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, कैल्शियम नाइट्रेट को, ये बाजार में नाम है इसका, इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये व्यापारिक नाम है, क्या है, व्यापारिक नाम बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला एक तरीके से, केमिकल नेम। बात आगे समझ में नहीं आई आपको, कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब बुआई से पहले, किससे पहले, बुआई से पहले छिड़काव में, पहले छिड़काव करने में, छिड़काव करने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। बात आ गई समझ में यहाँ तक। ठीक है, और आगे क्या है देखो, पोटेशियम के उर्वरक के अंतर्गत पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, तो आप लिख सकते हैं पोटेशियम के उर्वरक क्या क्या है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का प्रतीक क्या है ना, सल्फेट, ये सारे क्या हैं, ये उर्वरक के क्या हैं, उदाहरण हैं। बात आ रही है ना समझ में, हड्डियों को पीस कर सुपर फास्फेट का उपयोग किस लिए किया जाता है बताओ, सुपर फास्फेट कैसे बनाया जाता है, हड्डियों को पीस कर बनाया जाता है,
हड्डियों को पीस कर बनाया जाता है। सुपर फास्फेट हड्डियों को पीस कर बना जाता है। तो नाइट्रोजन उर्वरक समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है, ये सारे नाइट्रोजन के उर्वरक हैं। और मिश्रित उर्वरक में एक से अधिक तत्व पाया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सुपर फास्फेट, ठीक है। मिश्रित उर्वरक के उदाहरण क्या है? अमोनियम फास्फेट मिश्रित उर्वरक के उदाहरण। मिश्रित उर्वरक के उदाहरण बताओ क्या क्या है, बताओ पहला उदाहरण। और एक है अमोनियम, अमोनियम फास्फेट।